नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। रितिका जी ने एक पंक्ति का अर्थ मुझसे पूछा है, आगे जैसे ही आने वाले वीडियोस में वो पंक्ति आएगी मैं आपको अच्छे से उसका अर्थ बता दूंगी। निर्गुण काव्य धारा में कभी जैसे ही शुरू होंगे मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीम जी, दीपाली यादव जी, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं, थैंक यू। पूजा जी और कंचन लता जी, राम शर्मा जी, इला शुक्ला जी, रुचि शर्मा जी, कमलापति जी, रितिका जी के भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। अर्चना ठाकुर जी भी बहुत उत्साहवर्धन करती हैं हमारा, दिल खुश। मीना जी भी बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करते हैं। पूजा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और बहते हैं अपनी भक्ति की धारा में। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर, जहां पर ईश्वर को एक ही माना जाए, एक ईश्वर के स्वरूप को लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद और की ओर ढलता तो कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। आपने पीछे पढ़ा कि इस तरह का भक्ति मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था, जहां पर मनुष्य मात्र को समान समझा जाए, हिंदू और मुस्लिमों दोनों में एकता स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, है ना। तो जब ईश्वर को एकता स्थापित करने की बात की जा रही थी और एकेश्वर को बात को माना जा रहा था, तो ईश्वर तो एक है, तो ये कभी ब्रह्मवाद यानी हिंदू उस संप्रदाय की ओर अधिक झुक जाता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। ये निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। इस तरह का जो पंथ था, जो एकेश्वरवाद को लेकर चला, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? निर्गुण पंथ की ओर से। इनकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, मतलब इस निर्गुण पंथ की ओर ले जाने वाली जो सबसे पहली प्रवृत्ति जो दिखाई दी, वो ये थी कि ऊंच नीच और जाति पाति का भाव त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति, आप समझ रहे हो, उस समय तक समाज में बड़ी विषमताएं आ गई थी। ऊंच नीच और जात पात में पूरी तरह से हमारा समाज बटा हुआ था। तो निर्गुण पंथ की जो सबसे पहली जो लक्षण दिखाई दिया, जो प्रवृत्ति दिखाई दी, वो यही दिखाई दी कि इसमें ऊंच नीच और जाति पाति का त्याग किया गया और भगवान की भक्ति के लिए मनुष्य, सभी मनुष्यों को के समान अधिकार को स्वीकार किया गया। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि उस समय कई जो जातियां थी उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था और पूजा पाठ के लिए भी एक विशेष जात को अधिकार प्राप्त था। तो जो निर्गुण पंथ था उसके जो उसका सबसे पहले लक्षण यही था कि इस एकाधिकार को समाप्त किया गया, एकाधिकार को समाप्त करने की ओर बढ़े और मनुष्य मात्र को ईश्वर की भक्ति का समान अधिकार स्वीकार किया गया। इसमें इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? भक्ति मार्ग के भीतर, मतलब ये जो प्रवृत्ति निर्गुण संप्रदाय में थी, ऊंच नीच और जात पात का त्याग और ईश्वर को सर्वसुलभ, ईश्वर की भक्ति को सर्वसुलभ बनाने की बात, ये निर्गुण पंथ में तो थी, लेकिन भक्ति मार्ग में किसके द्वारा लाई गई? रामानंद जी द्वारा और नामदेव के द्वारा। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म शक संवत 1192 और मृत्यु शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरूसी बर्मनी जिला सतारा के दर्जी थे। पीछे पंडरपुर के विठोबा यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपने दिन महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं, मतलब काफी मात्रा में हिंदी रचनाएं भी इन्होंने की थी मराठी भाषा के अतिरिक्त। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। सगुणोपासना मतलब आप समझते होंगे, जहां हम ईश्वर को साकार रूप में पाते हैं, है ना।
जो तुलसी के राम में और कबीर के राम में अंतर है, जो तुलसी के राम है वो प्रत्यक्ष है, सगुण है, है ना, और जो कबीर के राम है वो निर्गुण है। सगुण जहाँ पे मतलब प्रत्यक्ष ईश्वर की बात हम करते हैं, जहाँ पे हम उनके एक स्वरूप की कल्पना करते हैं, तो इनकी रचनाओं में दोनों तरह के रूप हमें दिखे, सगुणोपासना भी और निर्गुणोपासना भी। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, तो इसके लिए हमें इनके परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। आदिकाल के अंतर्गत ये कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। ये आपको बार बार पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब मुसलमान आए थे उस समय भारत में किसका प्रभाव, किसका वर्चस्व चल रहा था, गोरखपंथियों का, ठीक है, नाथपंथियों का। नामदेव के ही समय से प्रसिद्ध नाग योगी ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं। इन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया, ठीक। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी ही अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। ज्ञानदेव का तो परलोकवास जल्दी हो गया था, लेकिन नामदेव उनके बहुत दिनों बाद तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ, वो तो सगुणोपासना कर रहे थे, लेकिन पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, ठीक है, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता है और मानता है। लाने वाले थे ज्ञानदेव। देखिए, इनके अंदर पहले तो ये सीधा अपना सगुण भक्ति में लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि नाथ पंथ का प्रभाव उस समय बहुत ज़्यादा था, तो इनके भीतर उसका भी प्रभाव आया, लक्षित हुआ। निर्गुणवादी निर्गुणोपासक क्या करते थे, वो अंतर्मुखी साधना करते थे, वो मनुष्य में ब्रह्म बताते थे और अपने ही अंदर की इंद्रियों को, कुंडलियों को जागृत करने के द्वारा वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते थे। उनको बाहर ईश्वर में भक्ति करना, मंदिर जाना या ईश्वर से संबंध स्थापित करना या उसकी पूजा अर्चना करना या गीत गाना, जो एक सहज मार्ग है, वो स्वीकार नहीं था। वो अपने भीतर की आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए कठिन साधना में रत रहते थे, ठीक है। एक बार ज्ञानदेव इन्हें लेकर तीर्थयात्रा पर निकले। अब देखिए, कहानी सुनिए, हुआ क्या, ठीक है। एक बार ज्ञानदेव इन्हें देखकर तीर्थयात्रा पर निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बार बार समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, तो ये मुंह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है, जब तक तुम निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें नहीं होगी तब तक तुम पक्के ना होगे, ठीक है। जब वो जाते व्याकुल हो रहे थे, तो ज्ञानदेव ने उनको ये समझाया कि अभी जो तुम्हारी भक्ति है वो एकांगी है। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटना लेकर, जिससे घड़ा पीटा जाता है, वो पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर कोई भी विचलित नहीं हुआ, पर नामदेव की ओर जब बढ़ा तो वो बिगड़कर खड़े हो गए। इस पर कुम्हार बोला, नामदेव कर को छोड़ बाकी सब घड़े पक्के हैं। अब यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, जो नागपंथी थे वो तपस्या द्वारा, नागपंथी निर्गुणोपासक तपस्या द्वारा अपने शरीर को बहुत मजबूत कर लेते थे, है ना। तो जब घड़े पीटने वाले पीटने से उनको पीटा गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नामदेव ठहरे सगुणोपासक, ठीक है, जैसे ही उनकी तरफ वो कुम्हार बढ़ा तो उनको समझ आ गया तो उनके तो बहुत चोट लग जाएगी, तो वो उन्होंने मना कर दिया, वो बिगड़ गए। तो अब उस समय लोगों ने क्या कहा, कुम्हार ने कहा कि सब पिट के भी विचलित नहीं हुए, इसलिए सब पक्के गणे हैं,
और नामदेव जी ने क्योंकि मना कर दिया इसलिए कच्चे घड़े हैं और कहीं ना कहीं उनको पराजित कर दिया। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से ये स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञान देव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। ये कहीं ना कहीं उनको मतलब जो वो सगुणोपासक थे उसको गलत ठहराने के लिए ही ज्ञान देव ने करा था। और इसी तरह से अलग अलग प्रयास नामदेव जी को निर्गुण पंथ में लाने के लिए नाथ पंथ में लाने के लिए किए जाते रहे। वो पहले तो सगुणोपासक ही थे ना। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटे खाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे मारकर भिक्षा मांगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के कई लोग होते हैं। ये लोग अपने शरीर को इस तरह के एक्टिविटीज के लिए बहुत मजबूत बना लेते हैं, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय के स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। मतलब उन्होंने कोई गुरु नहीं प्राप्त किया था, उन्होंने जो उनकी स्वाभाविक प्रेरणा थी इसी से वो भक्ति करते थे। ज्ञानदेव बार बार उन्हें गुरुगुण होए न ज्ञान समझाते आते थे। ज्ञानदेव जी उन्हें क्या समझाते थे कि गुरु बिन होए न ज्ञान। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में बहुत जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्त की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है, ठीक है। जो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का आधार है, सीधी सी बात है, आज भी हम सोचे तो हम निर्गुण भक्ति की तरफ अगर बढ़े तो हमें जरूर किसी ना किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सगुण भक्ति तो अगर हमारे अंदर से सहज भी जागृत हो सकती है तो जो निर्गुण भक्ति थी वो किसी ना किसी गुरु की सिखाई हुई होती थी। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञान देव का आग्रह बार बार बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पा रहा था और भेदभाव बना था। अब नामदेव जी के पास कोई गुरु तो था नहीं जो उनको विस्तृत रूप में सगुण भक्ति की महत्ता बताता और उसकी विशिष्टताएं बताता और शास्त्रार्थ में कहीं ना कहीं निर्गुणोपासकों को जवाब दे सकता। ऐसी क्षमता उनमें नहीं थी क्योंकि वो स्वाभाविक भक्ति थी मात्र थी उनकी। तो इस कारण उनके मन में भी कहीं ना कहीं भेदभाव बना ही रहता होगा। इस पर भी एक कथा चली आती है, सुनिए। एक कथा और भी उनके साथ घटित हुई। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धार कर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे, समझे। एक सेकेंड। तब उनसे ये कहा गया वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खच्चर या खेचरनाथ नामक नागपंथी कनफटे से दीक्षा ली। और इस संबंध में उनके ये वचन प्रसिद्ध हैं। बार बार जब उनको गलत ठहराया गया, बार बार उनको हीनता का जब आभास दिलाया गया तो अंत में उन्होंने खेचरनाथ नाम के कनफटे से नागपंथी कनफटे से दीक्षा ली, ठीक है। उनके संबंध में जो वचन प्रसिद्ध है वो हम देखते हैं। इनके गुरु का नाम आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। विशोबा खेचर यानी खेचर नाथ थे वो। दोनों तरफ से याद रखिएगा, दोनों नाम कंफ्यूज करने के लिए कोई भी पूछा जा सकता है। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिप्पी लागा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नामदेव की ये पंक्ति है। अब मुझे लगता है इतनी कहानी सुनने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी कि किस तरह से बेचारे मजबूर होके उन्होंने खेचरनाथ को अपना गुरु बनाया। आगे देखिए। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर देना, ज्ञान दान मोको गुरु देना, राम नाम बिन जीवन हीना, है ना। यहाँ पे वो गुरु की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। पंक्तियाँ याद रखिएगा आप, बहुत पूछ ली जाती हैं। किसहु पूजूं दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धारी पाव। अब यहाँ पे ये वही फिर सगुण की तरफ छोड़कर जैसे ही वो निर्गुण की तरफ बढ़े तो उनकी भाषा में भी उसी तरह की अभिव्यक्ति आ गई कि एक पत्थर की हम पूजा करते हैं,
दूसरे पत्थर पे पांव धरते हैं तो अलग अलग पत्थरों के लिए अलग अलग भाव क्यों, इस तरह की निर्गुण पंथी बातें वो करने लगे। जो वो देव तो हम भी देव, काहे नाम देव हम हरि के सेव, है ना। चलिए ये बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयां हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। ये लोग एक सामान्य मार्ग ढूंढ रहे थे जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी को जो समान रूप से स्वीकार्य हो। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, है ना। जैसे विठोबा यानी ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अब आजकल तो सभी के हाथ से दूध पी लेते हैं। अबिंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार में इनकी शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। ऐसा उस समय कहा जाता था कि भले इन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु इतना स्वाभाविक इनकी भक्ति थी कि जो ठाकुर जी थे वो स्वयं इनके हाथों से दूध पीते थे। उस समय पर दिखावे का या इस तरह की बातों का इतना प्रचलन नहीं था, तो इन्हीं के हाथों से पीते थे। और जो अबिंद नागनाथ के का जो शिव मंदिर था, कहा जाता है कि उसका द्वार स्वयं घूम के इनकी तरफ हो जाता था। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पुआति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये तो एकदम स्पष्ट बात है। इस इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिसमें सबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान अवतार की लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया। अभी तो आपने जो पद देखे निर्गुणोपासना के देखे, ये यहाँ इनकी सगुणोपासना संबंधी पद दिए हैं। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो, नवनिधि ठाकुर दई सुदामह धरुप जो अटल अजहुन अटर्यो, भगत हेत मार्यो हरि नाकुश निरसिंग रूप हवे देह धर्यो, नामा कहे भगत बस केशव आजहु बलि के द्वार खरो खरो। अब यहाँ पे देखिए ईश्वर के अवतारों का वर्णन हो रहा है, सगुणोपासना की बात की जा रही है। दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। और ये देखिए यहाँ पे कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। धानी धानी मेघा रोमावली, धानी धानी कृष्ण ओढ़े कांवली, धानी धानी तू माता देव की जिन ग्रह रमैया कमलापति, धानी धानी बन खंड वृंदावना जहाँ खेले श्री नारायणा, बेनु बजावे गोधान चारे नामे का स्वामी आनंद करे। ये शायद मैं यह तो ही रामानंद की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना, ठीक है। ये उन्होंने स्वयं के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर जो रचना की, यहाँ पे ये बात हुई। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान के उदाहरण अर्थात निर्गुण वाणी भी देख लीजिए। माई ना होती बाप ना होते कम ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। ये इन्होंने जब गुरु कर लिए हैं तब निर्गुण वाणी के जो पद हैं वो कहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछ लिए जाते हैं। चंद ना होता सूर ना होता पवन पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का केत काती थी। लेकरी ठेंगा टांगरी तारी लंगत लंगत जाती थी, पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलग चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। अब यहाँ पर इन्होंने एक विरोधात्मक बातें लिखी हैं निर्गुण सगुणोपासना और इन सब चीजों के लिए, और कहीं ना कहीं जात पात के विरोध में लिखा है ये। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था, रावण से ती सरबर हुई
घर की जोई गवाई थी, हिंदू हिंदू अंधा तुर्को का ना, दोनों ते ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा से ही सेविया जहां देहरा ना मसीद। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रति लाइन है, पंक्ति है। आगे देख लेते हैं। सगुणों पासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है ना। जो सगुण उपासना होती है वो सगुण को भी मानता है, निर्गुण को भी मानता है, पर भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। जो सगुणोपासक होगा, साक्षात रूप को मानता होगा, वो सगुण को भी मानेगा और निर्गुण को भी। लेकिन जब वो भक्ति करेगा तो ईश्वर की करेगा, उनके लिए कीर्तन करेगा और इस तरह की उनकी पूजा करेगा। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, वो कहता है ज्ञान जो निर्गुण रूप है वो ज्ञान मार्गी उसमें पूजा करें, विरोध नहीं करता है, मानता पूरी तरह उन्हें भी है। जब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्वेश का भी निर्देशन करते आए हैं, जो बोध गम्य नहीं है, जो अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते, है ना। रामदेव क्यों प्रवृत्त हुए ये ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्हें एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, तब वे शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी अवश्य हुई। मतलब जो सगुण होते हैं वो निर्गुण के विरोधी बिल्कुल नहीं होते हैं, वो निर्गुण मार्ग उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं, मतलब वो उसको सत्य तो मानते हैं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसका संकेत भर उनकी वाणियों में मिलता है। नाम देखिए, रचनाओं में ये बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। मेन अब ये देखिए, जहां हमारी आ गई भाषा की बात, यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो सगुण पद लिखे हैं उन्होंने वो तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा की, लेकिन जो निर्गुण वाणी की भाषा है वो नागपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या साधु खड़ी भाषा ही है। जो भाई सगुण भक्ति में ज्यादा ब्रज की भाषा का प्रयोग उस समय हो रहा था, तो जब सगुण भक्ति के पद उन्होंने लिखे तो ब्रज भाषा में या परंपरागत काव्य भाषा में लिखे। निर्गुण जब वाणी की बात आई तो उन्होंने नाथ पंथियों की ही भाषा को ग्रहण किया, जो आपको पता है खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा थी। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण के लिए मार्ग निकालने वाले नाथपंथ योगी और भक्त नामदेव थे, है ना। नामदेव की रचना अगर हम देखें तो उसके आधार पर यह निष्कर्ष जरूर निकलता है कि जो निर्गुणों के लिए मार्ग जो निकाला था नाथपंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। उन्होंने एक और तो स्वामी नंद के जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की स्थूल बातें ग्रहण की। अब यहाँ पर देखिए, नामदेव भी पहले सगुण भक्त थे और कबीरदास जी की बात करें तो पहले वो रामानंद के शिष्य हैं, सभी लोग जानते हैं, और उन्होंने शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की जो स्थूल बातें हैं उनको ग्रहण किया। और दूसरी तरफ योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए, है ना। वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया, ठीक। इसी से उनके साथ निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों की नाड़ी चक्र की। मतलब इसी कारण से जब हम उनके दोहे या सबद साखियों को देखते हैं तो उसमें दोनों रूप हमें दिखाई देते हैं, कहीं तो भारतीय दर्शन की झलक होती है और कहीं योगियों के नाड़ी चक्र या इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की और कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद, ठीक है। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरा अद्वैतवादी कह सकते हो ना एकेश्वरवादी। आप ये पंक्ति याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कबीरदास जी ना पूरे अद्वैतवादी थे, ना वो पूरी तरह भारतीय दर्शन की ओर झुके थे और ना ही पूरी तरह एकेश्वरवादी, यानी ना ही वो पूरी तरह से निर्गुण पंथ को मानते थे। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का
प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो। उस समय समाज में भेदभाव जाति पाति इतना बढ़ गया था कि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी बुद्धि और ज्ञान रखता था तो उसको ये समझ आ रहा था कि इन चीज़ों का खत्म होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा ज्यादातर ने यही प्रयास किया है। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे, ठीक है। और मुसलमानों की कुर्बानी, नवाज, रोजा आदि का की असारता दिखाते हुए ब्रह्म माया जीव, अनहत नाद, सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे, ठीक है। मतलब जब वो हिंदुओं की मूर्ति पूजा और देवोपासना आदि का जब विरोध करते थे तो वो पूरी तरह से मुसलमानी जोश में करते थे, और जब हिंदुओं की जब मुसलमानों का विरोध करते थे रोजा नवाज और इन सब कुर्बानी की, तब वो पूरी तरह हिंदू ब्रह्मज्ञानी की तरह करते थे। सारांश ये है कि ईश्वर की पूजा उन भिन्न भिन्न वाह विधियों से पर से ध्यान हटाकर जिस कारण धर्म में भेदभाव पैदा हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर और प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। कुल मिलाकर वो ये चाहते थे कि जो ईश्वर पूजा की जो अलग अलग विधियां हैं, है ना, जब एक ही मंजिल है तो उसके जो अलग अलग रास्ते हैं इनको अगर मिलाकर एक करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम पर भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समयांतर चलती रहीं। दो धाराएं चलती रहीं, निर्गुण और सगुण। इसीलिए उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको दो उसमें भागों में बांटा है। कब से कब तक? 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है। भक्ति काल के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा के कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर ही की मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। मतलब इन दोनों का अगर समय अनुसार देखा जाए तो पहली जो रचना है वो कबीर की ही पाई जाती हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इस आधार पर निर्गुण संतों का मत पहले निर्गुण धारा की पहले बात करना अधिक उचित ठहरता है। यहाँ निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा, है ना। यहाँ पे भी जो निर्गुण धारा थी वो भी दो भागों में बैठी, एक तो ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान को महत्व देते थे और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। इसको हम आगे समझते हैं। पहली शाखा में भारतीय ब्रह्म ज्ञान, योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर, देखिए ब्रह्म ज्ञान, योग साधना, भारतीय लेकर उसमें जो प्रेम सूफियों का प्रेम तत्व था उसको मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई, और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवो उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। ये ब्रह्म साधना ने सगुण का खंडन उसी जोर पे किया। अब देखने वाली बात यह है कि सगुण कभी निर्गुण का खंडन नहीं कर रहे थे, लेकिन निर्गुण ने हर जगह सगुण का खंडन किया और पूरे जोश के साथ किया, जिस तरह से पैगंबरी खुदा व पैगंबरी मत बहुत जो मुस्लिम मत था वो बहुदेव वो उपासना और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनका भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। ये कबीर आदि के दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों के ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेशण तथा हट योग की बातें कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। मतलब एक दो तो प्रतिभा संपन्न संत जरूर थे, लेकिन ज्यादातर क्या है जो ज्ञान मार्ग की बातें थीं, उन सुनी सुनाई बातों को ही थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर उन्हीं को दोबारा से आगे बढ़ाकर उसमें हठयोग की कुछ बातें मिलाकर भद्दी जो तुकबंदी थी वही इस समय मिलती है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा था, है ना। ये जो पंथ था ये शिष्ट और शिक्षित जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं था।
क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी और ना नया आकर्षण। संस्कृत बुद्ध, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। वजह यह थी कि अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जो जनता थी वो नाथ पंथियों और इन सबके एक तरह से जंजाल में इतना जकड़ गई थी कि उसको ये बड़ा सहज रास्ता लग रहा था, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग था, वो उनकी बातों में आया ही नहीं था। तो उनके लिए ये सब चीजें कोई नई नहीं थी, कोई विशेष नहीं थी। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबर का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का संस्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वो इसी बात को ध्यान में रखकर दी है। पाश्चात्य जितने हैं उन्होंने इसको अगर धर्म सुधारक कहा तो इसी वजह से कहा है, क्योंकि इन लोगों ने आडंबरों, तिरस्कारों, उस समय जितना भी कुछ फैल रहा था, अव्यवस्था फैल रही थी, उससे ऊपर उठाने में समाज को बहुत ज्यादा सराहनीय प्रयास किया। दूसरी जो शाखा है वो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिसकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य के कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता था, अर्थात किसी राजकुमार का, किसी राजकुमारी के अलौकिक दर्शन की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना, तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक के से परे दिखाई पड़ता है। मतलब कहानियाँ और विषय तो बड़े साधारण होते हैं, लेकिन जो प्रेम की जो पीर है, जो प्रेम का दर्द है, उसकी अभिव्यंजना इतने विश्वव्यापक रूप में होती है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें सभी शामिल हो जाते हैं, पूरे विश्व को शामिल कर लिया जाता है उस दर्द में, है ना। तो वो इस लोक के परे दिखाई देता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चलती हुई कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेरफेर कर लिया। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मुसलमान के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधे को भी संबद्ध के सूत्र में बद्ध दिखाकर अखंड जीवन समिष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख में वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। अगर संस्कृत साहित्य भी आपने देखा होगा तो हमारे साहित्य में ये उस समय से चला आ रहा है। अब इसके आगे हम भक्ति मार्ग में अगले वीडियो में बहेंगे। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, बहुत 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 हृदय से आपका आभार, और मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर रही हूँ, और जल्द ही उम्मीद है आप तक मैं कुछ और सहयोग पहुँचा पाऊँगी। इसलिए अपना साथ बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हैं, है ना, तो भी कहीं ना कहीं ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। कभी कभी कोई चीज़ होती है सुनने और पढ़ने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अगर उसका कुछ प्रतिशत भी हमारे दिमाग में रह जाता है तो वो हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। कम से कम आपको परीक्षाओं में देखकर कोई प्रश्न नया तो नहीं लगेगा। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।